लगा है मुझ पे जवानी का अब असर, झुकी जाए नजर। एक ग्लैमरस एक्ट्रेस जो बेहद खूबसूरत थी, जहीन, आकर्षक और बड़ी बड़ी बोलती आंखों वाली। जीवन के सफर में रही, मिलते हैं बिछड़ जाने को। एक बेमिसाल अभिनेत्री जिन्हें सौंदर्य और अदाओं से ऊपर वाले ने खूब नवाजा था। गोरे गोरे लोगों के छोरे, कभी मेरी गली आया करो। जिन्हें हिंदी फिल्मों की पहली फैशन क्वीन कहा गया और उनके मॉडर्न फैशन ने पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था। जिनका प्राकृतिक सौंदर्य 1940 और 50 के दौर की सभी खूबसूरत अदाकाराओं को मात देता था और तब के सबसे मशहूर सिने मैगजीन ने उन्हें एक पोल में फिल्म जगत की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस करार दिया था, जिसमें उन्होंने सौंदर्य की देवी कही जाने वाली मधुबाला को मात दी थी। आपकी जो शो होगा तो लोग कहेंगे कि मशहूर डांसर डॉली की बहन लिली ने कमाल कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो रिश्ते में एक मशहूर अदाकारा की कजिन थी, दो बड़ी अभिनेत्रियां उनकी भांजी थी और आज के दौर की एक और सुपरस्टार अभिनेत्री की वो नानी लगती थी। क्या आप मानेंगे कि दो दो शादियां करने के बावजूद वो जिंदगी के आखिरी वक्त में बिल्कुल अकेली रह गई थी और तन्हाइयों और वीरानी के साए में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तुम जैसे चोर, डाकू और खूनी के हाथों बर्बाद होने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। और क्या आप यकीन करेंगे कि उनकी मौत को एक रहस्यमयी मौत करार दिया गया और ये कहा गया कि उनके पड़ोसियों को 3 दिन बाद इसकी जानकारी हुई और तब तक घर में उनका शव लवारिस पड़ा रहा था। तो कौन थी ये अदाकारा, कैसी थी उनकी फिल्मी और निजी जिंदगी और क्या थी उनकी इस रहस्यमयी मौत की हकीकत, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। हिंदी सिनेमा की दुनिया की पहली फैशन क्वीन जो थी बोल्ड ब्यूटीफुल बिंदास, बॉलीवुड में जीनत अमान और परवीन बॉबी के आने से दशकों पहले एक ऐसी अभिनेत्री ने एंट्री मारी थी जिनके लिए कहा गया कि हिंदी सिनेमा को उन्होंने ही फैशन सेंस से इंट्रोड्यूस कराया। इनका नाम था नलिनी जयवंत। लेकिन उन्हें फैशन के साथ साथ एक्टिंग की भी उतनी ही समझ थी। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे इसी अदाकारा की और इनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की कहानियों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। नलिनी जयवंत का जन्म मुंबई के गिरगांव में एक मध्यम वर्गीय परंपरागत मराठी परिवार में 18 फरवरी 1926 को हुआ था। उनके पिता कस्टम अफसर थे और मां रतनबाई गृहिणी थी। नलिनी के दो और भाई भी थे। नलिनी जयवंत को बचपन से ही डांस का शौक था और उन्होंने प्रसिद्ध नृत्य गुरु मोहन कल्याणपुर से कथक की शिक्षा ली थी। इसके साथ ही उन्होंने हीराबाई जवेरी से गायन भी सीखा था। एक इंटरव्यू के दौरान नलिनी जयवंत ने बताया था कि मुंबई में उनके घर के पास ही स्वास्तिक, ड्रीमलैंड और इम्पीरियल सिनेमा हॉल थे जिसमें उस दौर की फिल्में लगा करती थी और इसी वजह से बचपन से ही नलिनी के मन में फिल्मों के प्रति काफी आकर्षण होने लगा था। वहीं उनकी बुआ की बेटी शोभना समर्थ उस दौर की जानी मानी फिल्मी पर्सनालिटी थी, जिससे परिवार में फिल्मी माहौल तो था ही, लेकिन उस जमाने में अच्छे परिवार की लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था और यही सोच नलिनी के पिता की भी थी। लेकिन इस सब के बावजूद महज 6-7 साल की उम्र से ही नलिनी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित किए जाने वाले बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी थी। तो पिता के न चाहने के बावजूद आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नलिनी जयवंत एक बड़ी फिल्म स्टार बन गई, आगे हम इसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ नलिनी के साथ ही नहीं हुआ था कि वो घर वालों के विरोध के बावजूद बॉलीवुड में आई हों। उस दौर की कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने इस तरह के विरोध के बावजूद अपना करियर बनाया और इनकी कहानियां दिलचस्प रही हैं। दोस्तों, कई ऐसी बुक्स भी समय समय पर लिखी गई हैं जो अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के बारे में बताती हैं। इन्हें आप पढ़ सकते हैं या ऑडियो बुक के जरिए इंटरेस्टिंग वे में सुन भी सकते हैं। मेरी एक पसंदीदा बुक है अम्मा, जिसमें जयललिता के फिल्मी सितारे से सियासत की सरताज बनने की दिलचस्प कहानी है। ये मैंने कुकू एफएम पर सुनी थी और मुझे काफी पसंद आई। इसके लिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कुकू एफएम ऐप, जो एक बेहतरीन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है और आप भी इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप इस पर फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफी सुन सकते हैं या हिंदी सिनेमा के बारे में और भी रोचक कहानियां सुन सकते हैं। इसके जरिए आप अपने लॉन्ग रीडिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ ऐसी दर्जनों किताबें और ढेरों कंटेंट मौजूद हैं और बड़ी बात ये कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी यहाँ स्टोरीज सुन सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस कोको एफएम का लिंक दे दिया है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए कूपन कोड के जरिए इस ऐप पर 50% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए SHWE50। तो इसे आज ही डाउनलोड कर डालिए और अपनी फेवरेट एक्टर्स की कहानियां सुनिए। तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 1940 की बात है। उनकी कजिन शोभना समर्थ की बेटी नूतन की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां शामिल होने के लिए आई थी। इस पार्टी में उस दौर के एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर चिमनलाल देसाई की नजर नलिनी जयवंत पर पड़ी। नलिनी की उम्र तब महज 14 साल की थी, लेकिन बिना वक्त गवाए खूबसूरत नलिनी को चिमनलाल देसाई ने अपनी एक फिल्म ऑफर कर दी। इस फिल्म का नाम था राधिका। जाहिर सी बात है, उनके पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि नलिनी के पिता को अपनी बेटी का फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन चिमनलाल देसाई भी अड़े रहे, लगातार उनके पिता को मनाते रहे और आखिरकार वो इसमें कामयाब हुए और फिल्मों में काम करने का रास्ता नलिनी के लिए साफ हो गया। नलिनी की ये डेब्यू फिल्म 1941 में रिलीज हुई। इस फिल्म से 15 साल की नलिनी ने न सिर्फ एक अदाकारा के रूप में फिल्म जगत में एंट्री ली, बल्कि एक पार्श्व गायिका के रूप में भी अपने फिल्मी जीवन का आगाज किया। फिल्म के 10 गीतों में से 7 गीत नलिनी जयवंत ने ही गाए थे। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बहन रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक महबूब खान ने किया था। तो भैया, ये सब बातें सोच के मैं इनको बातों में लगा रही, जिसमें तुम आ जाओ और खुद इनसे बातें कर लो। इतनी देर जो मेरी समझ में झूठ सचाया, खूब बोल। खास बात ये रही कि इस फिल्म में भी नलिनी ने 4 गीत गाए। इसी साल उनकी 2 और फिल्में निर्दोष और आंख मिचौली भी आई। आंख मिचौली की सफलता ने इनको रुपहले पर्दे की उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। नलिनी के साथ अब उस दौर के सभी निर्माता, निर्देशक और सह कलाकार काम करने की ख्वाहिश रखते थे, तो वहीं सिनेमा के शौकीनों पर भी उनका जादू सर चढ़कर बोलने लगा था। बताया जाता है कि फिल्म आंख मिचौली के निर्माण के दौरान ही नलिनी के पहले डायरेक्टर चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई को नलिनी से प्यार हो गया और उन दोनों के बीच वास्तविक जीवन में भी आंख मिचौली शुरू हो गई। वीरेंद्र देसाई पहले से ही शादीशुदा बाल बच्चेदार थे और नलिनी से उम्र में काफी बड़े भी थे। फिर भी सबके विरोध के बावजूद 1945 में उन दोनों ने सारे सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को तोड़कर शादी रचा ली। जाहिर है, इस अवैध शादी को वीरेंद्र देसाई के परिवार ने मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया और वीरेंद्र देसाई को नेशनल स्टूडियो के साथ ही अमर पिक्चर्स को भी छोड़ना पड़ा और नलिनी और वीरेंद्र दोनों को घर संपत्ति सबसे बेदखल कर दिया गया। कोई और चारा ना देख इन दोनों ने फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपए महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ज्वाइन की।
ये वो समय था जब नलिनी और वीरेंद्र दोनों के करियर पर एक तरह से ब्रेक लग चुका था। 2 साल तक उन दोनों को एक भी फिल्म नहीं मिली, जिसके कारण दोनों के बीच जहां लगातार तनाव बढ़ने लगा, तो साथ ही मुफलिसी और बेरोजगारी में आपसी झगड़े भी शुरू हो गए। गहने? गहने रुपए होते हैं, ये समझने की आपकी उम्र हो चुकी है। ये हार तो मैंने तुम्हें भेंट दिया था, मुझे नहीं चाहिए। हालात ने दोनों के सिर से इश्क का भूत उतार दिया था। और 3 साल में ही 1948 में दोनों ने तलाक ले लिया। और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पा। नलिनी को तब तक अपनी गलती का एहसास हो चुका था। किसी का घर उजाड़ कर वो अपना घर नहीं बसा सकी थी और उनकी किस्मत भी शायद इसी शादी में अटकी पड़ी थी। फिल्मिस्तान स्टूडियो से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद और अपने पति से डिवोर्स लेने के बाद उनकी किस्मत चमक उठी और आखिरकार उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली। तलाक के बाद आई उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म अनोखा प्यार उनके फिल्मी जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में नलिनी को उस दौर के सबसे सफल कलाकारों दिलीप कुमार और नरगिस के साथ अभिनय का मौका मिला। तभी तो आप नदी किनारे नहीं दिखाई दी, मुझे लगा कि आप हम लोगों को भूल गए। फिर आई उनकी फिल्म फिर भी अपना है, जिसने इनके करियर में मानो पंख लगा दिए और नलिनी ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। के बीच अभिनेता दिलीप कुमार के अलावा देवानंद और भारत भूषण जैसे अभिनेताओं के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें अनोखा प्यार, गुंजन, चकोरी, आंखें, हिंदुस्तान हमारा, मुकद्दर एवं साजन जैसी फिल्में खास रहीं। साल 1950 नलिनी जयवंत के फिल्मी जीवन का स्वर्णिम दौर लेकर आया। इसी साल नलिनी ने अभिनेता अशोक कुमार के साथ 2 फिल्मों समाधि और संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई। दोनों ही फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया बल्कि उन्हें प्रथम पायदान की अभिनेत्रियों में ला खड़ा किया। इसे समाज के डर से पत्नी नहीं बना सकी, उसे दोस्त कहकर बर्बाद किया और मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, इसलिए शादी करके मुझे दासी बनाना चाहते हो। तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित फिल्म समाधि में नलिनी ने एक जासूस का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके डांस परफॉर्मेंस को अब तक याद किया जाता है। गोरे गोरे वो बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। इसके अलावा अशोक कुमार के साथ आई काफिला और मिस्टर एक्स जैसी फिल्मों ने उनको उस दौर की सबसे लोकप्रिय जोड़ी बना दिया। अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे, मगर तुम ना हो। अशोक कुमार के साथ नलिनी जयवंत का तालमेल बहुत अच्छा माना जाता था। कहा जाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाला कठिन से कठिन दृश्य भी ये दोनों बड़ी आसानी से एक ही बार में निभा जाते थे, इसलिए निर्माता भी इन दोनों की जोड़ी को अपनी फिल्मों में लेना पसंद करते थे। इस दौरान नलिनी ने जहां अशोक कुमार के साथ दर्जनों फिल्में की, तो वहीं उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता दिलीप कुमार के साथ इन्होंने अनोखा प्यार और शिकस्त जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया। न मैंने किसी से प्रेम किया है, न किसी का इंतजार, मगर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मुझे किसी मालूम न होता तो मैं यहाँ आती किस लिए। इतना ही नहीं, सदाबहार अभिनेता कहे जाने वाले देवानंद साहब के साथ आई इनकी फिल्में राही, मुनीम जी और काला पानी ने भी काफी धमाल मचाया। दिल
एक के बाद एक आई नलिनी की इन तमाम फिल्मों ने एक ओर जहां बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए तो वहीं दर्शकों को भी उनका दीवाना बना दिया। तब फिल्मी मैगजीन्स में छपी खबरें बताती थीं कि नलिनी जयवंत कितनी स्टाइलिश और मॉडर्न है, वो किस तरह के आधुनिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं और कैसे बाकी हीरोइनों से उनका लुक बिल्कुल अलहदा है। तो फैशन के साथ साथ उनमें अभिनय का रेंज भी मौजूद था। उनकी खूबसूरती और दमदार अभिनय क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभिनय सम्राट कहे जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार ने जहां नलिनी को सबसे बड़ी अदाकारा का खिताब दे रखा था, तो वहीं उनकी सुंदरता का आलम ये था कि 1952 में मशहूर सिने मैगजीन फिल्म फेयर द्वारा आयोजित ब्यूटी पोल में नलिनी जयवंत ने मधुबाला को मात देते हुए पहला स्थान हासिल किया था। इसी दौरान अशोक कुमार के साथ उनके रोमांस की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी और कहा तो यहाँ तक जाने लगा कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि वो हिंदुस्तान छोड़कर शादी करने के लिए नेपाल जाने वाले थे। लेकिन इसी दौरान अशोक कुमार के करीबी रिश्तेदार और जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी को इस बारे में जानकारी मिल गई और उन्होंने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि ये प्यार एक तरफा था और नलिनी अब अपनी जिंदगी में पहले जैसी कोई गलती नहीं दोहराना चाहती थी। अब तुम किस मुंह से प्रेम की इज्जत का दावा करते हो? कांता, तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? साल 1951 से 1960 के बीच उनकी कुल 41 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से ज्यादातर में वो लीड एक्टर थी और ये फिल्में हिट रही थी। वहीं 1950 से लेकर 1970 के बीच नलिनी जयवंत ने न सिर्फ फिल्मों में अभिनय किया बल्कि 40 से ज्यादा गीतों को भी अपनी आवाज दी। और मैंने इसे जिंदगी दी, इसकी जिंदगी के लिए मन्नतें मांगी, व्रत रखे हैं, इसका कान भी गर्म हुआ है, तो रात रात भर जागी हूँ और किले में सोई। फिल्म अमर रहे ये प्यार का निर्माण अपने जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता राधा किशन मेहरा ने किया था। इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने करीबी दोस्त प्रभु दयाल को सौंपी थी, जो फिल्म मुनीम जी में नलिनी जयवंत के साथ काम कर चुके थे। फिल्म अमर रहे ये प्यार के दौरान उन दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। आगे चलकर प्रभु दयाल ने हम दोनों और दुनिया जैसी फिल्मों में अभिनय के अलावा तेरे घर के सामने और गैम्बलर में बतौर सह निर्देशक भी काम किया। लेकिन नलिनी जयवंत 1965 की फिल्म बॉम्बे रेसकोर्स के बाद फिल्मी दुनिया से अलग हो गईं और गृहस्थी संभालने में व्यस्त हो गईं। यूं तो नलिनी ने अपने फिल्मी करियर में तमाम यादगार भूमिकाएं की, पर 1958 में आई फिल्म काला पानी में किशोरी बाई के किरदार को उन्होंने जिस तरह से पर्दे पर जीवंत किया, उसके लिए उन्हें 1959 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। संन्यास लेने के करीब 18 साल बाद नलिनी ने एक बार फिर फिल्मों में वापसी की और दूसरी पारी में साल 1983 में प्रदर्शित फिल्म नास्तिक में नायक अमिताभ बच्चन की ब्लाइंड मदर की भूमिका में नजर आईं। लेकिन चरित्र अभिनय वो ज्यादा निभा नहीं पाईं क्योंकि उनको ये रास नहीं आया। साल 1983 में बनी फिल्म नास्तिक को छोड़ दिया जाए तो साल 1941 से 1965 के बीच के 25 साल के अपने करियर में नलिनी ने 60 फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई। करीब 22 साल की गुमनामी भरी जिंदगी जीने के बाद नलिनी जयवंत एक बार फिर चर्चा में आई जब 30 अप्रैल 2005 को मुंबई की जानी मानी संस्था दादा साहब फाल्के एकेडमी ने फाल्के की 136वीं जयंती पर आयोजित समारोह में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। लेकिन इसके बाद वो फिर से हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। नलिनी जयवंत का फिल्मी सफर जहां सफलताओं भरा रहा तो वहीं निजी जिंदगी में उनको कई दुखों एवं गमों का सामना करना पड़ा।
इस दौरान उनको लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। वही एक्टर प्रभु दयाल से दूसरा विवाह करने के बाद भी इनका बेऔलाद रहना इनके गम को बढ़ाता रहा और फिर 2001 में पति प्रभु दयाल की मृत्यु ने नलिनी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। पति के गुजरने के बाद मुंबई के अपने यूनियन पार्क चेंबूर इलाके में एक बड़े से बंगले में नलिनी जयवंत बिल्कुल अकेली रहा करती थी। हालांकि कुछ नौकर चाकर भी उनके घर में ज़रूर थे, लेकिन वो समय समय पर आते जाते रहते थे और नलिनी जयवंत का ज़्यादातर टाइम तन्हाइयों में और अकेलेपन में ही गुजरता था। हालांकि कुछ जानकारियां ऐसे भी मिलती हैं कि उनके एक भतीजे उनके घर से कुछ दूरी पर रहते थे, जो कि उनसे कभी कभी मिलने आते थे। नलिनी जयवंत का देहांत करीब 85 साल की उम्र में 22 दिसंबर 2010 को हो गया। कुछ पत्रकार ये दावा करते हैं कि उनका अंतिम संस्कार उनके भतीजे द्वारा अपने घर से किया गया और नलिनी जी के निधन के बाद उनके बंगले पर लटके ताले को देखकर मीडिया में खलबली मच गई और बिना सच्चाई जाने नलिनी के निधन को रहस्यमयी मौत करार दे दिया गया। तो वहीं कुछ प्रतिष्ठित अखबार नलिनी जी के पड़ोसियों के हवाले से दावा करते नजर आए कि नलिनी जी के निधन की जानकारी 3 दिन तक किसी को नहीं मिली और अंतिम समय में उनके साथ कोई नहीं था। दावा तो यहां तक किया गया कि आखिरी वक्त में उनके पास अपना खर्च चलाने और इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तो वहीं कुछ फिल्मी पत्रकार इसे कोरी अफवाह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खोखला ड्रामा करार देते हैं। उनका कहना है कि नलिनी जी पति की मौत के बाद पड़ोसियों और बाहरी लोगों से कम सरोकार रखती थीं, इसलिए उनकी मौत की खबर किसी को नहीं लगी होगी। लेकिन भैया, अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। खैर, हकीकत क्या है ये कहना तो मुश्किल है, पर इस दावे में दम ज्यादा लगता है कि जब हमेशा उनके घर पर नौकर चाकर मौजूद रहे और उनका भतीजा थोड़ी ही दूरी पर रहता था, तो 3 दिन तक भला किसी को उनकी मौत की खबर कैसे नहीं लगी होगी। लेकिन हम इस सच्चाई को भी नकार नहीं सकते हैं कि अनेकों सफल फिल्में देने वाली एक स्टार कलाकार, जिनके लाखों फैंस हुआ करते थे, फिल्मी दुनिया में जिनका बड़ा नाम और बड़ा कद माना जाता था, उनका इस तरह तन्हाई में जीना और गुमनामी में चले जाना दिल में एक टीस जरूर पैदा करता है। जिनको अपनी फिल्म में लेने के लिए निर्माता निर्देशक मुंह मांगे कीमत देने को तैयार रहते थे, वो अपने आखिर के कुछ सालों में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। ये हमारे समाज के खोखलेपन की कहानी बयां करता है, जो सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करता है। नलिनी जयवंत आज भले ही हमारे बीच नहीं है, पर अपने शानदार अभिनय, अपने यादगार गीतों और नृत्य की बदौलत वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। ऐसी महान कलाकार को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आपको नलिनी जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल ब्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।